सुबह की फिजा फिजा। वेलकम बैक। ओए होए जी। अब हम दिल दिल पाकिस्तान जो है वो इनसे गिटार पे सुनेंगे म्यूज़िक, और साथ साथ जावेद इकबाल साहब जो है वो यहाँ पे बनाएंगे कार्टून। अब उनका जो दिल चाहे, वैसे तो मैंने ऑप्शन दिया है कि उन्होंने कह दिया मैं ऑलरेडी कार्टून हूँ, मैं अब क्या बोलूँ, कार्टून का कार्टून बना दें, मैं इतनी सी बात बोल सकती हूँ। और जी जॉर्ज, आई वुड लाइक यू टू सिट हियर, then you know camera can face you proper, right? They here can take your shot easily. Okay. And you can play your guitar easily like okay. this, right? Sure. You comfortable, easy? So you playing bahut acha bhai log, bahut acha. So you playing dil dil Pakistan right now, right? Ji. Oi ji ji o ji 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 play right, you can start. Woo! Pakistan. I'm amazed. What about you, Priya? Yeah, I bet. Now, this time to show you your one and only sketch. Mr. Todd, you will be amazed too. Wow. It looks just like me.
It is for you. Thank you, sir. I'll put it up on the wall in my office. Yeah, sure. Definitely, it's a big honor to have Javed Iqbal do a cartoon of Javed Saab. Thank you. Thank you, sir. Have a sit. Very, very nice. Really great. मेरी सीट पे तो गिटार है. आपकी सीट पे गिटार है आप अच्छा कष्ट नहीं उठाऊंगा बस कलम उठाऊंगा अगर कोई चीज रखी होगी तो उसको मैं छूंगा भी नहीं है जावेद साहब ये ले जी अब आप कहेंगे मेरी सीट पे तो माइक है नहीं नहीं कोई बात वो भी मैंने उठा लिया जावेद साहब को टेंशन नहीं देनी आज मैंने टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं देनी एक साथ और हमारे गेस्ट हैं उनको इन्वाइट करना चाहूँगी बड़ा मजा आया वैसे मुझे देख के मगर जो अब वेलकम करूँगी ना जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं उनको मैं इधर ही बैठ के करूँगी क्योंकि इतना खूबसूरत आए हाय स्केच देखें आप असली में वाकई आप लग रहे हैं totally like you, you know? Real. It talk. Looks more like me than I do. Ala Tareel. Ajay ji, jo next hamare guest hain, wo hain, kaun? Batai zara, hain? Sawal de dun kya? Ay, main sawal de dun? Nahin bhai, jawab dungi. Bohut bada naam hamare Pakistan industry ka. Aise gaik, jinki awaz se jo hai, sur, ऐसे बरसते हैं कि जो साथ में लोग बैठे हों चाहे बेसुरे हों कुछ भी हो वो भी सुरों में शामिल हो जाते हैं उनकी ज़िंदगी सुरों में भर देते हैं और एक खूबसूरत शख्सियत के साथ क्योंकि चंचल बड़े हैं बड़ी जॉली पर्सनालिटी है बड़े मज़े मज़े के मजाक करते आज हमें जोक्स भी सुनाएंगे क्योंकि मज़ीद उनकी मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं इन्फॉर्मेशन जब मैं नाम लूँगी तो आप कहेंगे कि ये लफ्ज़ छोटे पड़ जाते हैं आप इतने क्यों तारीफ़ के जो है ना नाम में आगे इतनी सारी चीज़ें बोल देते हैं क्योंकि नाम ही अपनी पहचान होता है और इतना बड़ा नाम जो मैं अभी लेने जा रही हूँ वो है रफाकत अली खान साहब तो प्लीज़ वेलकम रफाकत अली खान साहब हेलो Zabardast star singer. Yes. Please. Can I sit here? Yeah, anywhere you like to. अच्छा इनके साथ इंग्लिश बोल बोल के अब मैंने आपके साथ भी अंग्रेजी जानना शुरू कर देनी है कोई हाल नहीं है मेरा है जी क्या हाल है सबसे पहले तो बड़ी खुशी हो रही मुझे इतनी बड़ी पर्सनालिटी आपने बनाई जनाब आज आपका भी बना दूंगी मैं कार्टून वैसे ही महंगाई से हमारा कार्टून पहले ही बना हुआ है वैसे वाकई इतना बुरा हाल हुआ है देखे मैंने कहा था ना आते के साथ के अपना रंग भी खेल रहे हैं इनकी बातें कुछ भी आपको सीरियस नहीं लगेंगी वो बात सीरियस बात को भी ना मजाक में ऐसे बता रहे होते हैं कि समझ आ जाती है बंदे को और सीरियस बात भी ऐसे अपने मजाक के अंदाज में कर देते हैं कि बंदे को बुरा नहीं लगता है ना नहीं नहीं ये तो चलते रहता है दिल आजारी नहीं होनी चाहिए जोक जोक होते हैं है ना और चलते रहना चाहिए हंसते रहना चाहिए इंसान को बट आई लाइक योर गिटार एंड योर वॉइस It's amazing. Great, sir. Thank you. And the more important thing is you love Pakistan. That's the important thing. Is, no doubt. Which is really became admirer of you. Thank you. सुबह सुबह उठने की आदत है या आज जबरदस्ती उठे? जी बिल्कुल नहीं बड़ा मुश्किल से आया जाता है आपको पता है फिर पहले आप सोए नहीं होंगे रात मैं तो सो ही नहीं सका जी मैं तो मुझे ऐसे लगा कि मैंने एक ही दफा दफ्तर में जाना है फिर उसके बाद रिटायरमेंट मिल जाना रिटायरमेंट आज ही के दिन मिलनी है एक ही बार के बाद याद है आप मेरे शो पे आए थे उस वक्त तो वो रिकॉर्डेड था शाम का वक्त था उस दिन आपको थी भी जल्दी थोड़ी सी मगर ये था कि जब आप बैठे थे तो फिर आप जल्दी वल्दी भूल गए थे आपको जो ए प्लस है ना जी ये इज्जत बड़ी देता है और ये हमेशा याद रखता है इसकी मोहब्बत में भी हम वाकई बस ये फैमिली की तरह बांध के बांट के जो है ना अपने रिश्तों को रखता है माशाल्लाह से जी अभी पाकिस्तान में नया क्या आपकी जो म्यूज़िक में है तैयारियां चल रही हैं जो कि अभी आने वाली हैं सामने पहले तो उसके ऊपर बात करेंगे जो अभी आप प्रिपेयर कर रहे हैं अपनी नई चीज़ों को अजी एक एल्बम है वो काफ़ी अरसे से रुका हुआ है कुछ मुल्क के हालात ऐसे थे अब वो डिसाइड किया कि उसको रिलीज़ कर देना चाहिए वैसे भी ये सीडी मार्केट जो है ये अब बहुत सारा डाउनफॉल चल रहा है इसके अंदर क्योंकि इंटरनेट की वजह से हर चीज़ ग्लोबलाइज्ड हो गई और सब चीज़ें उसके अंदर फीड हो चुकी हैं और पायरेसी भी तो है पायरेसी भी और फिजिकली कोई चीज़ सामने नहीं आ रही बहुत आसान भी हो गया और बहुत मुश्किल भी हो गया टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इनटू द वर्ल्ड इट्स नॉट इजी तो वो एक एल्बम है इंशाल्लाह वो आ जाएगा और उसके अलावा अभी मैं इंडिया गया था वहाँ पे एक अच्छा काम ये हुआ कि दिलीप कुमार साहब की बर्थडे पे मैं गा के आया हूँ इवेंट में कैसे बताना भूल सकती हूँ जी 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 वहाँ पे तमाम बड़ी इंडस्ट्री बैठी थी मेरे ख्याल से कोई एक बंदा था जो वहाँ ना गया हो मतलब तकरीबन पूरा मीडिया था वहाँ पे जहाँ पे आप यू नेम इट
कि वो कितना अपने सीनियर्स को प्यार करते हैं और वो लोग ये नहीं कि सुबह बैठ के हम ये एक स्पिरिट की बात होती है, ये कोई खुदा ना खास्ता ये बात नहीं होती कि हम इंडिया का जिक्र करके कोई बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। पाकिस्तान भी उतने बड़ा मुल्क है, उतने बड़े लोग यहाँ रहते हैं जी बिल्कुल जहाँ वहाँ रहते हैं एक ही और बात सारा है। अभी भी जो देखा जाए उधर मुल्क में भी नाम रोशन अगर उनका भी हो रहा है, उनके म्यूजिक इंडस्ट्री का हो रहा है तो हमारे पाकिस्तानी स्टार्स की वजह से, हमारे पाकिस्तानी सिंगर्स की वजह से हो रहा है। हाँ जी, एक लंदन में फिल्म आई है नचले लंदन, उसका टाइटल सॉन्ग मैंने गाया, वो एक टेली फिल्म भी है और एक फिल्म आ रही है, मतलब यानी इट्स काइंड ऑफ आप शॉर्ट स्टोरी भी कह सकते हैं लेकिन अच्छी फिल्म भी है, बड़ी फिल्म भी। और एक फिल्म आ रही है सल्तनत, उसका भी टाइटल मैंने गाया, कुछ इस तरह के चार पांच मूवीज के काम हो रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान के लिए ऑनेस्टली मुझे बताइए, दुख होता है कि मूवीज इतनी कम बनती हैं, इतना हल्का हल्का काम हो रहा होता है, कोई कंसंट्रेट नहीं किया जा रहा होता प्रोडक्शन साइड पे कि भाई मूवीज बनाई जाए, पाकिस्तान की इंडस्ट्री को भी बूम दिया जाए। हाँ जी। फिर जब म्यूजिक पाकिस्तान के लिए नहीं बनाते तो आपको जब बाहर निकलते हैं रोड्स वगैरह पे जाते हैं लोग आपको पकड़ते हैं पूछते हैं कि पाकिस्तान के लिए काम नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, जबकि हम मीडिया के लोग इस बात को समझ सकते हैं आपकी, क्योंकि जब आपको और काम को काम देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए इंडिया पाकिस्तान लंदन दुबई इंग्लैंड ये चीजें नहीं देखनी चाहिए, जहां से काम हो काम अपनी जबान का सिखाना अपना हुनर सिखाना किसी को बांटना कोई बुरी बात नहीं है, देखिए किसी को भी बांटे, ये एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ अनफॉर्चुनेट चीज है कि आप क्रॉस द बॉर्डर जब तक काम नहीं करते आपको कोई एज ए आर्टिस्ट मानता ही नहीं। बिल्कुल, पहले तो बिल्कुल। आप पाकिस्तान से आपकी मोहर लगती थी और आपको पूरी दुनिया पहचानती थी, अब आप देखिए हमारे जितने आर्टिस्ट हैं वो मुल्क से बाहर जाते हैं स्पेशली इंडिया जाते हैं, जी आपने किस फिल्म में गाना गाया किस फिल्म में प्लेबैक किया है, तो उससे आपकी मार्केट वैल्यू बनती जो एक बहुत ही अफसोसनाक बात है मेरी नज़र में। मैं ये नहीं कहता कि आप किसी बड़े पेडिस्टल पे जाके ना गाएं, आपको गाना नहीं गाना चाहिए या आप हॉलीवुड में ना गाएं या बॉलीवुड में ना गाएं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बीइंग ए आर्टिस्ट यू कैन गो एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन ए बिग पेडिस्टल एंड वो तो आप करें, लेकिन ये नहीं होगा कि आप बिल्कुल वहीं जाएंगे तो कुछ होगा, दिस इज वेरी बैड। अच्छा, कोई प्रोजेक्ट नहीं है, कोई फिल्म इंडस्ट्री में एक दो डायरेक्टर्स हैं वो कभी उनको भी कहीं से कोई बड़ा बजट मिल जाए तो फिल्म बना लेते हैं और अदरवाइज फिर चांसेस भी बड़े कम है, पूरी इंडस्ट्री ब्लॉक है, जिसमें मैं तो म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में कहूँगा दो तीन चैनल ऐसे हैं जिन्होंने तो बिल्कुल म्यूजिक इंडस्ट्री को ब्लॉक कर दिया है, सारे लोग वहीं अपनी सीडीज दे रहे हैं अपनी अपनी उनको वो लालच देते हैं कि आपके वीडियो बनेगा हम ही आपको रिलीज करें, हम उसी सारी जो मार्केट थी वो सारी ब्लॉक हो गई सारी वाकई। अब ये है कि आप मजदूरी करें कोशिश करें कोई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट मिले तो फिर आप कहें जी बाबा। अरे इस पे अभी आगे और भी बात करते हैं, एक दो बातें भी बताऊंगी बड़े मजे मजे की आपको, आप कहेंगे आज फिजा को हो क्या गया तो गॉसिप से दूर भागती है और गॉसिप ही करी जा रही है। आई वुड लाइक टू कम हियर। ठीक है ठीक है ठीक है बहुत करते हैं, इनको इतने टीके लगे हुए मुझे ये नहीं पता किधर लगे हुए हैं, इधर आइए जी, कैन यू कम हियर, श्योर, इट्स टाइम टू टेक अ ब्रेक एंड the way we'll take a break it's like we have to take a round like this and we have to send take a break okay but we'll do it together right okay and this is our camera and we have to see here and we have to take a round and we have to say take a break okay do right? I go around this way or go like this that? Way this, this way. Way and we'll go together right okay 1 2 3 take a break. Woo! फिजा फिजा